हेलो गाइस, कैसे आप लोग? देखो चाइना में मोबाइल फ़ोन कोई भी है, आईपैड रिपेयरिंग कैसा करते हैं, यहाँ पे शॉप है, इस तरीके की शॉप है। यहाँ पे जो है रिपेयरिंग होती है और बहुत ही फास्ट, ये लोग जब तक जब बना के भी देते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं चाइनीज लोग। कुछ इस तरीके की शॉप है, तो ये देखिए आप लोग, ये कितने मेहनती हैं, यहाँ पे अंदर बैठ के बना रहे हैं, पूरे अपने अपने काम में लगे हैं। ये वहीं तक इधर बना रहे हैं, ये भी भाई साहब नी हाँ पंगे हो, भाई साहब वहाँ पे बना रहे हैं। तो इस तरीके के मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग शॉप चाइना में है, और यहाँ पे आईपैड भी बनाते हैं, आईफोन भी, बहुत सारे चीज़ें बनाते हैं लोग, और यहाँ पे कुछ सामान बेच रहे हैं भी ये लोग, जो भी है सेकंड हैंड आपको लेना है तो ले सकते हैं। वहाँ पर भी एक भाई साहब बना रहे हैं, ये लोग बहुत एक्सपर्ट हैं और बहुत ही फास्ट बनाते हैं, दे आर वेरी वेरी रियली वेरी वेरी गुड। यहाँ बगल में और एक शॉप है, यहाँ पर भी ये देखो ये भाई आईपैड बना रहे हैं, और यहाँ पे काम चल रहा है भाई, यहाँ पे ज़बरदस्त इनके पास हर टूल्स है और ये लोग बनाते रहते हैं। ये देखो भाई आईपैड का स्क्रीन टूट गया, ये भाई साहब बना रहे हैं। इसके बगल में और एक दुकान है, ये लगता है ये आईपैड एक्सपर्ट है, तो यहाँ पे आईपैड बना रहे हैं। आ लो, यहाँ और एक शॉप है, तो यहाँ पर भी ये मोबाइल है इनके पास पूरे, और ये इंजीनियर्स अंदर बैठे हुए हैं अपने अपने काम में बिजी, दे आर मेकिंग ऑल आईफोन, सैमसंग फ़ोन, जो भी है आपका बनाना है, आईपैड है, हर चीज़ बना देते हैं ये लोग। ये देखो, ये भी देखो भाई, यहाँ पे पूरे एक्सपर्ट होते हैं ये लोग, और यहाँ पे यहाँ आईपैड लगा रखा है इन्होंने, मतलब के आईपैड एक्सपर्ट है ये, ज़बरदस्त। और बगल में और एक शॉप है, यहाँ पर भी ये एक्सेसरीज भी है, कवर भी है। हेलो, यहाँ पर आईफोन है, शॉमी है, सब बना रहे हैं लोग। तो इस तरीके के शॉप होते हैं चाइना में रिपेयरिंग के, काफ़ी बहुत सारे शॉप थे, ये तो मैंने आपको 1% भी नहीं बताया, और चाइना के बहुत सारे यहाँ पे रिपेयरिंग शॉप हैं, और दे आर रियली वेरी वेरी एक्सपर्ट। ये देखो भाई, ये भी जो है आईफोन का जो है बैक कवर काम कर रहे भाई साहब, तो चाइना भाई बहुत आगे है ये रिपेयरिंग वपेयरिंग के काम में। तो आप देख रहे हैं कि चाइना में जो है कि शॉप कैसे होते हैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के, तो इस तरीके के शॉप होते हैं, ठीक है। और मेरे आसपास है पूरी मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज कंपोनेंट, ये वो हेडफोन्स बला बला पटरम पटरम बहुत सारे चीज़ें मिलते हैं, तो ये पूरे जो है होलसेल के शॉप है ये, और रिपेयरिंग के भी शॉप से बहुत सारी, बहुत अच्छी मार्केट है यहाँ पर। ये जो यहाँ पर भी है हैंड फ्री है पीछे, मतलब आपको भाई जो चाहे वो मिलता है चाइना में, हर चीज़ अवेलेबल है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल है। और एक वहाँ पर और एक रिपेयरिंग शॉप है, जो जगह जगह पे मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग शॉप है, यहाँ पे ये मोबाइल फ़ोन यहाँ पे शॉप, यहाँ पे आईपैड भी है और आईफोन भी है, ज़बरदस्त है। यहाँ पर भी एक रिपेयरिंग शॉप, यहाँ पर भी हर कोई काम में बिजी है अपने अपने। ये भी एक रिपेयरिंग शॉप है, यहाँ पे भी आईपैड के एलसीडी मिल जाते हैं आपको रिपेयर उपेयर करना है तो। हेलो, ये हाँ फंगियो, मैं सो फैशी फिंचेगा वो गेनी खन हुआ था फंगियो सो चुंगो सो चम्मा वैशू था, तो यहाँ पे भी हिंदू ओह शीशी। ये देखो भाई पूरा इनके पास सामान भी है इधर, हर चीज़ है यहाँ पे, मशीन वशीन भी है, आईफोन 8 8P, आईफोन 11, आईफोन NS, Mac, ये लोग बहुत एक्सपर्ट है हर चीज़ बनाने में। शॉप है यहाँ पे भी आईफोन का सामान पूरा, मतलब टूल्स है इनके पास। ये देखो ये लेडीज़ भी काम कर रही है, नहीं हाँ शाओ जी, तो चाइना में जो है भाई लड़के लड़कियाँ सब काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी लड़के भी काम कर रहे हैं वहाँ पे अंदर। हेलो, ये बहुत मेहनती कौम है, ये काफ़ी मेहनत करते हैं और अपना अपना
इस पर काम कर रहे हैं ये लोग, इनके पास हर टूल्स अवेलेबल है एवरीथिंग। तो ये देखो भाई, इधर भी ये भाई साहब काम कर रहा है पूरा मेहनत से। ये देखो ये भी, और यहाँ पर भी भाई साहब अपने माइक्रोस्कोप में लगे हुए हैं काम में। दे आर वेरी 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 एक्सपर्ट, इनके पास हर आइटम है, हर टूल है काम करने के लिए। और यहाँ पर भी ये भाई, यहाँ पंगू, ये भी पंगू, यहाँ पर भी देखो ऐसे काम करते हैं लोग पूरा बारीकी से। वेरी गुड शीशी चुंगोर थाई छोमिंग। ये देखो भाई, ये भी फ्लोर से काम कर रहे हैं, इनके पास पूरे टूल्स है, हर टूल अवेलेबल है इनके पास, एवरीथिंग। तो चाइना में इस तरीके से मोबाइल फ़ोन रिपेयर होता है हर चीज़, और यहाँ पे जो है आसानी से सामान मिल जाता है। तो मेन तो वही है कि भाई आपको अगर सामान मिल जाएगा तो रिपेयरिंग आसानी हो जाती है, और अपने पास मुल्कों में मुश्किल है थोड़ा सामान जल्दी मिलने के लिए। वहाँ वो शो हिंदू था, हिंदू मैं यो ची आंदा, वो मन तो यो मैं ची आंदा तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई मेरे को लेके चलो, मैं काम करता हूँ आप लोगों के लिए। एक्चुअली जो है बहुत एक्सपर्ट है ये लोग काम करने के लिए। पहला शीशी नहीं है अब भाई, चलो समझो, थैंक यू। तो भाई मोबाइल फ़ोन ऐसे रिपेयर होता है चाइना में। ओके, यहाँ पे और एक शॉप, हज़ारों शॉप्स है, यहाँ अपने अपने काम में बिजी है भाई लोग। चलिए चलते हैं बाहर। और यहाँ पे चाइना में अपनी अपनी ज़िंदगी में सब मसरूफ है, सब मसरूफ है, अपने अपने काम से मतलब है इनको, और बस काम घर जिंदगी इनकी यही है। ये देखो आप, यहाँ पे हर कोई यहाँ पे बिजी अपनी अपनी लाइफ में, इनको किसी और से बाहर की दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे पूरा पब्लिक अपने अपने काम, अपना घर, खलास, इनको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे वायरस का अभी भी इफ़ेक्ट है, तो अभी भी आपको अगर कोई भी शॉपिंग मॉल में या कोई भी बिल्डिंग में जाना है तो यहाँ पे जो है आपको चेक करके जाना है। इस तरीके का QR कोड है, तो ये QR कोड आपको स्कैन करके, यहाँ पे मशीन लगी हुई है और ये भाई साहब ठहरे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको जाना है। अभी जैसा कि ये भाई आए, अभी ये QR कोड बता के अंदर जाएंगे, ये भाई स्कैन कर रहे हैं देखो, और वहाँ पे मशीन में बताएंगे जाएंगे, क्योंकि 24 आवर्स वाला QR कोड ज़रूरी है। अगर किसी के पास QR कोड नहीं है तो वो भाई अंदर नहीं जा सकता है। एवरीबडी स्कैनिंग एंड गोइंग। ये भी एक एंट्रेंस पे भाई साहब ठहरे हुए हैं, तो बिना बताए QR कोड के जा नहीं सकते। यहाँ पर भी जो है सेम, यहाँ पर भी सेम QR कोड है। तो जैसा कि अब ये भाई साहब ने QR कोड को स्कैन किया, फिर उसके बाद अंदर जाएंगे, ये भाई साहब को बता के, और आपको ये बैरियर्स लगे हैं, मतलब आप अंदर जा नहीं सकते। वहाँ पे हर बिल्डिंग पे कोई ना कोई सिक्योरिटी वाला है। और यहाँ पर भी एक मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग वाली शॉप है, नहीं हो छोटी सी, उसके पीछे भी एक शॉप है। तो ये है ख्वाचान बे, इसे कहते हैं ख्वाचान बे। ये क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट यहीं पे है, हर चीज़ आपको मिलती है यहाँ पे, अवेलेबल है एवरीथिंग। और ये खूबसूरत ख्वाचान प्लाजा होटल, और एक मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग शॉप, और एक है यहाँ पे, और ये कोई है मैनर कॉफ़ी, हमने अब तक पी नहीं है, हम पियेंगे इसको एक दिन, लेकिन आज हमारा मूड नहीं है पीने का। तो हमारा आज मूड नहीं है कॉफ़ी ये पीने का मैनर वाली, क्योंकि हम ऑलरेडी पी चुके हैं हमारी पीट कॉफ़ी। और ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम कोई दूसरे वीडियो में। बाय बाय।